हेलो एवरीवन, यहाँ पर आप लेथ मशीन के टूल देख रहे हैं और ये टूल बेसिकली MS माइल्ड स्टील से बने हुए हैं और इन पर कार्बाइड टेप की ब्रेजिंग की जाएगी जिससे ये कम्प्लीटली टूल बन जाएगा। पहले क्या रहता था, जो टूल आते थे लेथ मशीन के, वो आते थे या तो हाई कार्बन स्टील के आते थे या हाई स्पीड स्टील के, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है तो अब यूज़ करते हैं ये इस तरह के MS और उसके ऊपर हम कार्बाइड टिप लगा देते हैं। इसमें आसानी बहुत रहती है, टिप ख़राब हो जाए तो दूसरी टिप को आप लगा सकते हो और सेम टूल को आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रखे हुए हैं बिना टिप के हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बिना टिप वाला टूल है। ये बेसिकली क्या है, MS का आपने पहले ये कार्बाइड टिप देख रहे हैं, इस कार्बाइड टिप को उसमें ब्रेजिंग करेंगे। तो ये कार्बाइड टेप आपने देखा, इसके ये अलग अलग साइज़ की कार्बाइड टेप आती हैं जिनको आप ब्रेज कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको जो टूल का शेंक वगैरह होता है वो भी अलग साइज़ का बनाना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग साइज़ है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका फोर्जिंग की जाती है, MS का जो स्क्वायर बार आता है उसकी फोर्जिंग करते हैं। फोर्जिंग करने के बाद उसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब आपने देखा इसके ऊपर ये यहाँ पे जो कार्बाइड टेप है उसको ब्रेजिंग परफॉर्म कर दिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर ग्राइंडिंग और मशीनिंग और परफॉर्म करनी पड़ती है जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, सरप्लस मटेरियल होता है, उसको रिमूव किया जा सके। ये आप देख रहे हैं पूरा प्रोसेस। और ये काफ़ी टूल्स बनाते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बल्क में ये टूल्स यहाँ पे रखे हुए हैं बने हुए। और ये आप देख सकते हैं टूल इन्होंने कलर्ड कर दिया। बेसिकली क्या, फाउंड्री जो आप फोर्जिंग करते हैं, फोर्जिंग के बाद आपने टिप कार्बाइड टिप लगा दी, उसके बाद मशीनिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं, उसके बाद पूरा टूल रेडी होता है। ये आप देख सकते हैं कार्बाइड टिप लगे हुए टूल्स रखे हुए हैं, इसमें ऑलरेडी टिप लगा हुआ है। ये अलग अलग साइज़ के टूल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट टूल हैं और इसमें भी थोड़ा क्वालिटी वाइज अलग अलग रहता है, क्वालिटी पे भी कॉस्ट डिपेंड करती है। और साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ इसमें मिल जाएंगे आपको। तो बस मैंने आपको एक लेथ मशीन का टूल किस तरह से होते हैं, किस तरह से बनता है, थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आप देख सकते हैं और भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।